हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और एक होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट है मैंने उसके आपको वर्गीकृत विज्ञापन के प्रकार भी लिखा दिए थे, और आज हम इसमें पहला जो प्रकार है उसको पढ़ेंगे, मैट्रिमोनियस, MATRIMONIAS, MATRIMONIALS, मैट्रिमोनियस, 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 मैट्रिमोनियस माने होता है बेटा, ये वर्गीकृत विज्ञापन का पहला है, वैवाहिक विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन। अब वैवाहिक विज्ञापन क्या होता है, वैवाहिक विज्ञापन क्या होता है बेटाओ, मैट्रिमोनियल्स यानी हम लोग क्या करते हैं, शादी विवाह, अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए लड़का या लड़की की तलाश करते हैं। जब हमारा बच्चा लड़का या कोई लड़की विवाह या शादी योग्य हो जाता है तो सबसे तलाश करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हम अपने मिलने वाले चिर परिचित या रिश्तेदारों से बात करते हैं कि भाई मेरा लड़का है, मुझे उसका विवाह करना है, कोई योग्य लड़की हो तो आप बताएं, या मेरी लड़की है मुझे उसकी शादी करनी है, कोई योग्य लड़का हो आपकी नज़र में तो आप मुझे बताएं। तो वो व्यक्ति हमें अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में या कहीं पर भी होता है, उस योग्य लड़के को हमें बताता है, फिर हम उसे देखते हैं, उनसे उनके परिवार से बात करते हैं, परिवार से बात करने के बाद फिर हम अपना मेल जोल, नाते गोते जो भी होते हैं वो हम देखते हैं, और देखने के बाद यदि हमारा मैच सही बैठता है तो हम अपने लड़के या लड़की की शादी तय कर देते हैं और शादी कर देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल वे होता है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है जिसे हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्यों करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि शहरों में या आजकल तो गांव में भी होता है, हमने देखा है बेटा हो कि जो व्यक्ति है वो क्या है, दोनों ही अपने वर्किंग पर्सन है, जैसे वो स्वयं नौकरी करता है, उसकी पत्नी भी नौकरी करती है, वो सुबह जाते हैं, देर रात तक घर पर वापस आते हैं, और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने पुत्र या पुत्री के लिए अब कोई वर देख सकें या लड़का या लड़की तलाश कर सकें। तो इसके लिए वो एक माध्यम चुनते हैं जिसको अपन कहते हैं मीडिया, अखबार के माध्यम से भी वो क्या कर सकते हैं, एक विज्ञापन दे सकते हैं, और विज्ञापन भी वो क्या कर सकते हैं, एक क्लासिफाइड विज्ञापन दे सकते हैं कि भाई मेरा लड़का है इतने वर्ष का है और इतने इतने फुट इतने इंच का है, सुंदर है, इसमें काम करता है, इसके लिए योग्य लड़की की आवश्यकता है, कोई हो तो संपर्क करें, वो अपना संपर्क नंबर दे देते हैं। तो जिस किसी को भी लड़के की आवश्यकता है, लड़की वाले को, वो विज्ञापन देख करके वो उससे संपर्क कर सकता है, फिर वो आपस में बातें कर सकते हैं, और बातें करने के बाद अपना मैच तैयार कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, यानी वैवाहिक विज्ञापन। तो वैवाहिक विज्ञापन जब हम देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये संक्षिप्त में लिखना होता है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, इसको 50 शब्द से अधिक नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि तो प्रथम 50 शब्दों का जो वर्ग होता है उसकी एक रेट होती है, फिर हर शब्द के हिसाब से इसमें अलग से शब्द यानी जो रेट है वो लगती है, इसलिए इसको 50 शब्दों से अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले जब अपन किसी भी चीज का विज्ञापन देते हैं, वैवाहिक संबंधी विज्ञापन देते हैं, तो हमें क्या है इसमें, एक तो सेंटेंस नहीं बनाने, सेंटेंस नहीं है, ये जो विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट है, इट मे बी अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य होता है कि आप इसको देख करके समझ जाए कि वो क्या क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हमें लड़के का विज्ञापन देना है तो लड़का, लड़के के लिए हम हैंडसम शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी सुंदर लड़का, और लड़की के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखें आप। जैसे एक सुंदर लड़का, ए हैंडसम बॉय, एक सुंदर लड़की, ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब सबसे पहले इसको लिखने के बाद में फिर क्या आता है बेटा,
उसकी एज, सबसे पहले एक सुंदर लड़का, जैसे मैंने कहा मेरे लड़के के लिए मुझे एक लड़की की तलाश है, तो मैं क्या कहूंगा, एक सुंदर लड़का, आयु 20 वर्ष, तो सब उसके बाद बताएंगे आप एज। तो एज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं 25 ईयर्स। उसके बाद एज के बाद क्या आता है, लंबाई, जैसे मैंने लिखा 5 फिट 7 इंच, ये हैंडसम बॉय 25 ईयर्स, 5 फिट 7 इंच। अब इसके बाद आता है उसका वर्क, यानी किसी भी विज्ञापन को देने के लिए सबसे पहले ये तय करेंगे कि वो लड़का है या लड़की है, उसके बाद उसकी एज तय करेंगे, एज के बाद उसकी हाइट तय करेंगे, और हाइट तय करने के बाद उसका वर्क यानी कार्य तय करेंगे कि वो क्या करता है। जैसे मान लो फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, शॉपकीपर है तो शॉपकीपर, फार्मर है तो फार्मर, और सेल्समैन है तो सेल्समैन, जो भी वो काम करता है उसका बिजनेस करेंगे। उसके बाद में फिर क्या है, उसको तलाश है, तो तलाश है के लिए क्या आएगा, लुक फॉर ए सुटेबल मैच, लुक फॉर ए सुटेबल मैच, यानी उसे एक उचित मैच, उचित जोड़े की तलाश है, मैच यानी जोड़ा होता है यहाँ पे, तो लुक फॉर ए सुटेबल मैच। हाँ चौधरी मोहन का बताइए, व्हाट इज द क्वेश्चन। सर, वो एक्चुअली ये सैंपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ना, उनको फेयर नोटबुक में ही लिखना है या फिर अलग से कोई नोटबुक प्रिपेयर करनी है? यस बेटा, आप ये ग्रामर की फेयर नोटबुक बना लें और बिल्कुल लिखो, इनको लिखो, फेयर ठीक है सर, थैंक यू सर। नोटबुक बना लें बेटा। ओके हाँ, तो लुक फॉर यानी तलाश है ए सुटेबल मैच, एक उचित जोड़े की मैच, यानी यह जोड़े से तात्पर्य है, एक उचित जोड़े की तलाश है, और फिर जोड़े की तलाश करके फिर जोड़े की विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको जिसकी तलाश है वो नीचे आएगा और खुद की विशेषताएं यहाँ पर आएंगी। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि हमको लिखना कैसे। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लें आप। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, मैट्रिमोनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर मनोज, लिव एट BAT भरतपुर, लिव एट BAT भरतपुर, राइट इन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन राजस्थान पत्रिका, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन राजस्थान पत्रिका, टू बी पब्लिश्ड इन राजस्थान पत्रिका, इन द मैट्रिमोनियल कॉलम, इन द मोनियल कॉलम फॉर सीकिंग ए ब्राइड ग्रूम, कॉलम फॉर सीकिंग ए ब्राइड ग्रोम, और सीकिंग ए ब्राइड ग्रोम फॉर ए पंजाबी गर्ल,
ट्राइड ग्रुप बी आर आई टी जी आर डब्ल्यू। देखिए बेटा क्वेश्चन उतार ले हम। यू आर मनोज, तुम मनोज हो, लिव एट BAT भरतपुर, और BAT भरतपुर में रहते हो। राइट इन एडवर्टाइजमेंट, एक आप विज्ञापन लिखिए टू बी पब्लिश इन राजस्थान पत्रिका, जिसको राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया जाना है, इन द मैट्रिमोनियल कॉलम। मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक स्तंभ में, कॉलम यानी स्तंभ होता है। फॉर सीकिंग, जैसा कि तुम तलाश कर रहे हो, सीकिंग यानी होता है तलाश करना। ये ब्राइड ग्रूम, एक दूल्हे तलाश कर रहे हो। फॉर ए पंजाबी गर्ल, यानी तुम पंजाबी हो, तुम्हारे पास एक, तुम्हारी एक लड़की है और उसके लिए तुम्हें एक ब्राइड ग्रूम की तलाश है, तो आपको क्या करना है, एक विज्ञापन देना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा इसमें कि हमें तलाश किसकी है, ब्राइड ग्रूम की, दूल्हे की तलाश है। तो हम विशेषताएं किसकी लिखेंगे, दुल्हन की विशेषताएं सबसे पहले। और यदि हमें यह ब्राइड की तलाश होती, दुल्हन की तलाश होती, तो फिर हम किसकी विशेषताएं लिखते हैं यहाँ पे, दूल्हे की विशेषताएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसमें, फुटा से आप फुटा लेंगे, हाथ से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो कॉलम है ना, कॉलम का आधा अंक होता है। ये 4 नंबर का है आपका, 4 नंबर में कॉलम आधे नंबर का है, हेडिंग आपका 1 नंबर का है, और उसके बाद में आपके बच गए कितने, 2.5 नंबर। ये 2.5 नंबर आपका, और नीचे जो एंड है वो आधे नंबर का है, इस तरीके से 2 नंबर, और 2 नंबर का आपका पूरा जो मेन पार्ट है बॉडी का वो है। ये ऐसे इसमें डिवाइड है अब 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फुटा से ये आंसर लिखा मैंने, फुटा से आप क्या करेंगे, फुटा से इस तरीके से एक कॉलम बनाएंगे कॉपी में, हाथ से नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए कॉलम इस तरीके से, और इस पर बड़े अक्षरों में लिखेंगे। इसमें लिखना है आपको ये मैट्रिमोनियल कॉलम में देना है, इसमें लिखना है ना कॉलम, तो ये कॉलम का आपका आधा रखना है। मैट्रिमोनियल, MATRIMONIALS, मैट्रिमोनियल्स, ये आपका कॉलम हो गया। अब आपको क्या करना है, ब्राइड ग्रूम, तो आपको पंजाबी गर्ल है, लड़की पंजाबी है, तो पंजाबी गर्ल की सबसे पहले विशेषताएं लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लड़की है ना, तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे, देखिए, ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल। अब पंजाबी गर्ल है तो पंजाबी गर्ल, ब्राह्मण गर्ल है तो ए ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल, जाट गर्ल है तो ए ब्यूटीफुल जाट गर्ल, मिश्रा गर्ल है तो ए ब्यूटीफुल मिश्रा गर्ल, जो भी उसकी कास्ट है ना वो अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ए ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल, पंजाबी गर्ल, पंजाबी कॉमन, यानी एक सुंदर पंजाबी लड़की। अब सबसे पहले क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, क्या लिखेंगे, एज, जैसे मैंने लिखा 25 ईयर्स, कॉमा आ गया, एक सुंदर पंजाबी लड़की 25 वर्ष की है, यहां तक समझ में आ रही बात। इसके बाद क्या आएगी, मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपको क्या लिखनी है, उसकी हाइट 5 फिट 7 इंच, 5-7 का मतलब हो गया ये 5 फिट 7 इंच है। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, फिर कॉमा, फिर उसकी योग्यता, योग्यता मैंने लिखी जैसे MSc BEd, कॉमा। अब मान लो वो, उसका व्यवसाय लिखेंगे, व्यवसाय मान लो वो व्यवसाय है, कोई नौकरी करती है, तो अपन लिख सकते हैं लेक्चरर, LECTURER, लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज, वो सरकारी कॉलेज में क्या है, लेक्चरर है। फिर उसकी विशेषता गुड एट,
हाउस वर्क घरेलू कार्य में क्या है, दक्ष है, समझ रहे, घरेलू कार्य में दक्ष है। तो लुक फॉर ए सुटेबल मैच, SUITABL, सुटेबल मैच, और उसको तलाश है किसकी, एक उचित जोड़े की तलाश है। अब क्या है, अब आप उसमें लिख सकते हो, ही शुड बी गवर्नमेंट जॉब, वह सरकारी जॉब में हो, और डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर और बिजनेसमैन। या वो कोई व्यवसायी हो सकता हो। प्लीज कॉन्टैक्ट, अब आप लिख सकते हैं, प्लीज एब्सेंट कृपया संपर्क करें और या ईमेल भेजें। तो सबसे पहले आप संपर्क आप ले लेंगे, क्या है इसमें, मिस्टर मनोज BAT भरतपुर, और ईमेल आईडी लिख देंगे आप, ईमेल MPSY01@ इस तरीके से हमें मैट्रिमोनियल विज्ञापन लिखने हैं। उतारिए फटाफट, हमें आवाज सही आ रही है, आवाज के लिए एक बार कमेंट्स कर दें सभी, और साफ आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, और उतार भी रहा हूं तो बताए। इस सबके लिए आप हेयर कॉपी बना लें, हेयर कॉपी में उतारें, ये दोबारा आपको कराए नहीं जाएंगे। बाकी ऐप पर डले हुए हैं, यूट्यूब पर भी आप डले हुए हैं, यूट्यूब से आप और देख लें, इसको पहले से भी डले हुए हैं यूट्यूब पर। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर दो, यू आर हरी, यू आर हरी लिवेंट अलवर, यू आर हरी लिवेंट अलवर, यू वांट टू सर्च ए ग्रुप, यू वांट सर्च एक रूम, यू वांट टू सर्च एक रूम फॉर योर डॉटर, फॉर योर डॉटर, यू वांट टू सर्च एक रूम फॉर योर डॉटर,
So write an advertisement. So write an advertisement. So write an advertisement in matrimonial column. In matrimonial column in Dainik Bhaskar. इस तरीके से आपको लिखना है यू आर हरी डिबेट अवर। तो देखिए वही कॉलम बना लेंगे आप, कॉलम बना लें। कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको ये लिखना है यू वांट टू सर्च इट रूम, तुमको दूल्हा की तलाश है। तो दूल्हा की तलाश है तो पहले दुल्हन की विशेषताएं लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लड़की की विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले ए ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल, कॉमा 22 इयर्स, 5 फीट 7 इंच, MScDM या अपन कर सकते हैं BCA, कुछ भी आप जरूर कर सकते हैं अपने मन से, या उसमें दे रखी है तो उसी को लिखेंगे। BCA इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में BCA है। गुड एट हाउस वर्क, घर के काम करने में बहुत अच्छी है। इसकी नौकरी लेंगे तो नहीं लिखेंगे, गुड एट हाउस वर्क। फिर लुक फॉर ए सूटेबल मैच, एक उचित जोड़े की तलाश है, वो कैसा होना चाहिए, ही शुड बी बिजनेसमैन, बिजनेसमैन व्यवसायी हो, और डॉक्टर क्लर्क प्लीज कॉन्टैक्ट। और सेंड एन ईमेल, कॉन्टैक्ट करें या ईमेल भेजें, मिस्टर मनोज DAT अलवर मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो और ईमेल ASPI01@gmail.com। ये मैंने स्कूल का मोबाइल नंबर और स्कूल की ईमेल आईडी आपको डाल दी है, उतारी फटाफट। उतार बेटा उतारो फटाफट, उतार के बता दिया करो, उतार दिया कमेंट्स कर दिया करो।
Your parents and you are searching a bride for your little brother. Bride for your older brother. Write an advertisement to get it published. आपको बड़ी एबीसीडी में लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है बेटा। हाँ, मैट्रिमोनियल्स। अब देखो, योर पेरेंट्स एंड यू आर सर्चिंग ए ब्राइड। अब तो एक ब्राइड दुल्हन की तलाश है। पहले हम दुल्हन की तलाश वाले विज्ञापन लिखे थे, पहले दूसरे, अब यहाँ पर ब्राइड की तलाश है फॉर योर एल्डर ब्रदर। तो मैं तुम्हारे बड़े भाई के लिए एक ब्राइड ढूंढ रहे, तुम और तुम्हारे माता पिता। राइट इन एडवर्टाइजमेंट, आपको ये विज्ञापन दे रहा है टू गेट पब्लिश इन मैट्रिमोनियल कॉलम इन योर लोकल न्यूज़ पेपर। तुम्हारे स्थानीय समाचार पत्र आपको एक विज्ञापन देना है। तो मैंने आपको बताया था ब्राइड की तलाश है ना, तो अब आप क्या करेंगे, ग्रूम की विशेषताएं लिखेंगे कि आपका जो भाई है ना जिसको ब्राइड चाहिए उसकी क्या विशेषताएं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए, अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, लड़का है वो, तो अब ये ब्यूटीफुल बॉय नहीं लिखेंगे, ये हैंडसम बॉय, लड़के के लिए हैंडसम आता है, ये हैंडसम बॉय, एक सुंदर लड़का, समझ रहे। अब हैंडसम बॉय फिर क्या आएगी, एज 26 इयर्स, फिर कॉमा, उसके बाद हाइट 6 फीट, उसके बाद योग्यता एमएससी के लिए, टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, और गुड बिहेव, गुड बिहेवियर, उसका अच्छा व्यवहार है, कॉमा। अब क्या आएगा, लुक फॉर ए सुटेबल
उसे उचित जोड़े की तलाश है। अब लड़की की विशेषता ले लेंगे, सी शुड बी, सी शुड बी एवेलियन और गुड एट हाउस वर्क, गृह कार्य में दक्ष हो, फेयर कलर, उसका रंग गोरा हो, और मे बी गवर्नमेंट सर्वेंट और सरकारी नौकरी भी हो तो चलेगा। प्लीज कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट और सेंड एन ईमेल। इसमें नाम नहीं दे रखा, आप लिख सकते हैं मिस्टर हरि, बी ए टी मनोगर, मोबाइल नंबर, और ईमेल, एक सुंदर लड़की, कॉमा, उसके बाद एक
28 ईयर्स, 28 साल, 5 फीट 6 इंच उसकी वो गई, और क्या है वो डॉक्टर SMS हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल जयपुर, लुक फॉर और आगे ये भी लिख सकते हैं गुड एट, क्योंकि लड़की है ना तो उसके लिए गुड एट हाउस होल्ड वर्क, ग्रह कार्य है वो दक्ष होनी चाहिए, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो लेकिन उसको ग्रह का जो घर के काम है वो जरूर आने चाहिए। हाँ तो लड़कियां सभी जो सुन रही है ना मेरी बात ध्यान से सुन रहे कि घर के कार्यों में आप अपना हाथ जरूर बटा, गुड एट हाउस होल्ड वर्क, गृह कार्य में लुक फॉर ए सक्सेसफुल मैरिज, लुक फॉर सुटेबल मैच, ये उचित जोड़े की तलाश है, ही शुड बी डॉक्टर इंजीनियर और एडवोकेट और बिजनेस। प्लीज कॉन्टैक्ट और सेंड एन ईमेल, और उसमें नाम नहीं दे रखा मिस्टर हरी डीएटी अनुवर वो भरतपुर दे रखा डीएटी भरतपुर मोबाइल नंबर और ईमेल देखिए। आप समझ गए होंगे कि ब्यूटीफुल गर्ल कैसे लिखना है, सबसे पहले लड़का है या लड़की है, तो लड़का है तो ये हैंडसम बॉय है, और लड़की है तो ये ब्यूटीफुल गर्ल, एज, फिर उसकी हाइट, फिर उसका योग्यता। अब इसमें योग्यता हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस में है, डॉक्टर है SMS हॉस्पिटल, तो MBBS तो होगी। गुड एट हाउस होल्ड वर्क, लड़की है तो उसके लिए गुड एट हाउस होल्ड वर्क, हेयर कलर ये भी आप डाल सकते हैं अपनी तरफ से, उसका रंग गोरा है सांवला है तो डार्क कलर भी लिख सकते हैं। लुक फॉर ए सुटेबल मैच, ही शुड बी डॉक्टर इंजीनियर और एडवोकेट और बिजनेसमैन, प्लीज कॉन्टैक्ट और सेंड एन ईमेल। क्वेश्चन नंबर अगला लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यू आर हरी You are searching a bride for your son. Searching a bride
for your son. He is a teacher, so writing. He is a teacher. Wait, अध्यापक है. So writing advertisement. So writing advertisement in matrimonial column. Matrimonial column in Rajasthan Patrika. देखिए, यू आर हरी, यू आर सर्चिंग ए ब्राइड, तुम्हें दुल्हन तलाश कर रहे हो फॉर योर सन, तुम्हारे पुत्र के लिए. तो दुल्हन तलाश कर रहे तो दूल्हे की विशेषता पहले लिखो, यानी जिसके ये जो टीचर है, ये जो टीचर वो एक अध्यापक है. तो सबसे पहले ए और क्या आएगा, हैंडसम बॉय, एक सुंदर लड़का. फिर एज 30 इयर्स, 30 साल. हाइट 5 फीट 7 इंच. टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल का अध्यापक है. गुड लुकिंग, अच्छा दिखता है. ये विशेषता आप लिख सकते हैं अपने मन से, गुड लुकिंग और गुड बिहेवियर भी लिख सकते हैं. लुक फॉर ए सुटेबल मैच, एक सुंदर मैच की जोड़े की तलाश है. सी शुड बी एमएबीएम, वह एमएबीएड होनी चाहिए और गवर्नमेंट टीचर. गुड एट हाउस होल्ड वर्क, गृह कार्य में दक्ष होनी चाहिए और कास्ट इज लो बार. कई बार ऐसे भी आ जाता है कि जाति का कोई बंधन नहीं है, कास्ट इज लो बार, यानी कोई भी जाति की हो सकती है. प्लीज कॉन्टैक्ट और सेंड एन ईमेल. कॉन्टैक्ट एंड सेंड एन ईमेल मिस्टर हरी इस तरीके से बेटा हो. ये हमारे मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट समाप्त होते हैं. दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इनको आप लिखिए और उनके आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे. क्वेश्चन नंबर अगला एक जो कि उतार लो फटाफट, पहले एक बार उतार लो.
उतारने से भी एक बार आपने सभी। अभी आपकी 8:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास शुरू होगी और आज के लिए इतना ही। कल फिर बेटा मिलते हैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। इसका दूसरा जो प्रकार है उसको देखेंगे। आप उनको याद करिए, तुरंत याद करते चलिए। जो आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को आप करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है बेटा। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ते समय ही करें, बाकी इसको आराम से अलमारी में रेस्ट करने के लिए रखें, इसका मिसयूज नहीं करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।